दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द पोजेशन एक्सपेरिमेंट। ये मूवी 2016 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हमें 1994 का टाइम दिखाया गया है, जहाँ हम जंगल के दरमियान एक बड़े से घर में एक आदमी रिचर्ड को देखते हैं, जिसकी वाइफ ट्रेसी पोजेस थी और वो नेल फाइलर से अपने दांत काट रही थी। रिचर्ड ये देख कर डर जाता है। अगले सीन में हम ट्रेसी को घर की बेसमेंट में स्ट्रेचर पर बांधा हुआ पाते हैं, जहां फादर मार्क अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर ट्रेसी के एक्सोसिज्म की तैयारी कर रहे थे। वहां एक पुलिस ऑफिसर, कैमरामैन और ट्रेसी का हस्बैंड रिचर्ड भी था। ये फादर का ट्रेसी के साथ 29th सेशन था, लेकिन वो अभी तक उसका एक्सोसिज्म कम्प्लीट नहीं कर पाए थे। ट्रेसी की हालत काफी वियर्ड थी और वो पूरी तरह डेविल के कंट्रोल में थी। फादर उसके बारे में सारी डिटेल्स कैमरा में रिकॉर्ड करवा रहे थे। एक्सोसिज्म के स्टार्ट होते ही डेविल बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। उसके हाथ पांव पर बंधी सब रस्सियां खुल जाती हैं और वो हवा में लेविटेट करने लगता है। सब लोग ये देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। तभी डेविल सब पर अटैक कर देता है। पहले वो रिचर्ड की नेक में काटकर उसे जख्मी करता है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर का गला दबाते हुए उससे असिस्टेंट को मरवा देता है और फिर वो ऑफिसर खुद को भी शूट करके मार डालता है। कैमरामैन ये देखकर ऊपर भाग गया था। देन ट्रेसी फादर मार्क की तरफ बढ़ती है और क्रॉस के साथ अटैक करते हुए उन्हें भी बुरी तरह मार डालती है। अचानक ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और ट्रेसी उस तरफ चली जाती है। उसके बाद मूवी कट ऑफ होती है और हमें कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक प्रोफेसर टकर अपने स्टूडेंट्स को थियोलॉजी पढ़ा रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट ब्रैंडन भी था, जो थियोलॉजी के फाइनल प्रोजेक्ट के लिए एक्सोसिज्म का टॉपिक चूज करता है और प्रोफेसर उसे इससे रिलेटेड कुछ बुक्स देने का कहते हैं। ब्रैंडन घर से दूर कॉलेज के हॉस्टल में ही अपने रूममेट कॉल्बी के साथ रहता था। रात को टॉम से बाहर उसे अपना एक क्लास फेलो क्ले मिलता है, जिसके कहने पर ब्रैंडन उसे अपना प्रोजेक्ट पार्टनर बना लेता है। फिर अगले दिन वो प्रोफेसर टकर के ऑफिस जाकर उनसे एक्सोसिज्म बेस्ड बुक्स लेता है और उन्हें अपने आइडिया के बारे में भी बताता है। देन रात को इस टॉपिक पर रिसर्च करते हुए ब्रैंडन एक्सोसिज्म वाली कुछ वीडियोस भी देखता है, जिसमें ट्रेसी की वीडियो भी थी। देन वो फादर मार्क के बारे में रिसर्च करता है, जिन्होंने ट्रेसी का एक्सोसिज्म किया था। तो उसे पता चलता है कि 20 साल पहले साथ वाले टाउन में एक्सोसिज्म परफॉर्म करते हुए वो मारे गए थे। ब्रैंडन ने उस घर का एड्रेस भी ले लिया था और वो क्ले के पास जाकर उसे ये सब बताता है कि उस एक्सोसिज्म के टाइम पर सब मारे गए थे, सिवाय कैमरामैन और एक बच्चे के। अगले सीन में वो लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कराते हैं, जिसमें उन्होंने उस घर में होने वाले क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना था, क्योंकि वो सब कुछ एक एक्सोसिज्म के गलत होने की वजह से हुआ था। देन नेक्स्ट डे वो लोग पुलिस ऑफिस से इस केस की फाइल और टेप लेते हैं, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद ब्रैंडन क्ले के साथ अपनी मॉम के घर जाकर वो टेप देखता है, जिसमें मूवी के स्टार्ट का सीन था और ट्रेसी के ऊपर जाने के बाद कैमरामैन उसके पीछे भाग रहा था। क्ले को ये सब अजीब लग रहा था, मगर ब्रैंडन उस घर को एक्सप्लोर करने का प्लान करता है। क्ले पहले तो इसके लिए मना करता है, लेकिन फिर ब्रैंडन की जिद करने की वजह से मान जाता है। वहां पहुंचकर वो लोग साथ में रिकॉर्डिंग भी करने लगते हैं। घर काफी बड़ा था। उनके अंदर पहुंचने पर हमें वहां ट्रेसी की स्पिरिट भी नजर आती है, जिसे वो लोग देख नहीं पाते, और घर के सब रूम्स को चेक करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जो कि काफी वियर्ड थी। वहां उन्हें ट्रेसी की स्पिरिट नजर आती है, मगर वो उसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देते हैं। क्ले थोड़ा डर गया था। वो ब्रैंडन को यहाँ से चलने का कहता है, मगर वो नहीं मानता। और फिर वो लोग उस एक्सोसिज्म वाली जगह पहुंच जाते हैं। उधर वुडन प्लैंक्स के पीछे ब्रैंडन को किसी चीज का एहसास होता है और वो उन्हें खोल देता है। वहां एक रास्ता सा बना हुआ था, जहां से ब्रैंडन को एक ओइजा बोर्ड मिलता है, जिसे वो अपने साथ लेकर वहां से आ जाते हैं। क्ले का कहना था कि हमें इसे साथ नहीं लाना चाहिए था, मगर ब्रैंडन उसकी सुनता ही कहां था। कहीं ना कहीं ब्रैंडन को लगता था कि ये डेविल और एक्सोसिज्म सब रियल नहीं होते, इसलिए वो इस सबको रियल में एक्सपीरियंस करना चाहता था। और उसका प्लान था कि वो खुद पर होने वाले मेडिकल इफेक्ट्स को डॉक्यूमेंट करेगा। वो साइंटिफिकली इसका प्रूव लेना चाहता था और इसके लिए ब्रैंडन फंड मी नाम की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन फंड रेजिंग कैंपेन स्टार्ट करता है, ताकि वो अपने पोजेशन और फिर एक्सोसिज्म की लाइव स्ट्रीम चला सके। क्ले को भी उसका ये आइडिया अच्छा लगा था। उसके बाद ब्रैंडन उस ओइजा बोर्ड को चेक करता है और यहाँ साथ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस बोर्ड को फादर मार्क ने उस जगह पर छुपाया था और इसके आगे कोई प्रोटेक्शन भी लगाई थी, जिसे जाने अनजाने में ब्रैंडन ने खोल दिया था। रात को सोते हुए भी उसे अजीब अजीब से नाइटमेयर्स आते हैं। ब्रैंडन को सभी फ्रेंड्स और प्रोफेसर टकर उसे ये सब करने से रोकते हैं, क्योंकि वो सब डेविल को रियल मानते थे
और उनके ख्याल में ब्रैंडन का ये आइडिया डेंजरस था, मगर वो उन सब की बात नहीं सुनता। उसका ये फंड रेजिंग आइडिया रातों रात वायरल हो गया था और वो ऑनलाइन फॉर्मेट पर काफी फेमस हो चुका था। कोई उसे अप्रिशिएट कर रहा था और कोई उसके अगेंस्ट बोल रहा था। ब्रैंडन क्ले से कहता है कि हमें इस काम के लिए एक मेडिकल स्टूडेंट और किसी मीडियम की भी जरूरत है। मीडियम मतलब कोई ऐसा बंदा जो डीमन या स्पिरिट से ब्रैंडन को पोजेस करवा सके। सो ब्रैंडन क्ले को ऐसे लोग ढूंढने का कहता है और इसके लिए क्ले एक मेडिकल स्टूडेंट लीडा को फाइनल करता है। तो वो दोनों उससे मिलने जाते हैं। लीडा उनके साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। ब्रैंडन उससे बात करके एक दिन बाद रात 9 बजे का टाइम सेट कर लेता है। वो उसे ये भी बोलता है कि अगर मुझे कोई डेविल पोजेस कर ले तो तुम किसी प्रीस्ट से बात करके मेरा एक्सोर्सिज्म करवाना। नेक्स्ट सीन में वो लोग अपने टाइम पर उस घर में पहुंच जाते हैं। क्ले ने वहां एक साइकिक लेडी जूली को भी बुलाया था जिसने मीडियम बनना था। बेसमेंट के अंदर जाकर वो सब अपनी सेटिंग्स करते हैं। उन्हें बहुत से लोग लाइव देखने वाले थे। अचानक से उधर लाइट्स जल जाती हैं। मगर ब्रैंडन बोलता है कि यहाँ तो पावर ही नहीं है। ये सुनकर सब थोड़ा डर जाते हैं। स्ट्रीम स्टार्ट होने के बाद ब्रैंडन सब लोगों से इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। उसके बाद वो सब ओइजा बोर्ड के पास बैठ जाते हैं और जोली ब्रैंडन के साथ स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करती है। तभी उन्हें एक स्पिरिट का साइन मिलता है और जोली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो साइन देती है कि मैं ब्रैंडन का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पड़ी चीजें गिरने लगती हैं, कैंडल्स बुझ जाती हैं और अजीब सी आवाजें भी आती हैं। इस सब से वो लोग डर जाते हैं। जूली ब्रैंडन से पूछती है कि तुमने ये बोर्ड कहाँ से लिया, जिस पर वो बताता है कि यहाँ वॉल के पीछे से मिला था और वहाँ कुछ सिंबल्स भी बने थे। ये सुनकर जूली कहती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था और फिर वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ब्रैंडन खुद से स्पिरिट को बुलाकर अपने अंदर आने के लिए कहता है, मगर कुछ भी नहीं होता और ऑडियंस को ये सब फेक लगता है। अगले सीन में हम दो आदमियों स्कॉट और जॉडी को आपस में कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। उन दोनों ने भी ब्रैंडन की लाइव स्ट्रीम देखी थी। स्कॉट कह रहा था कि क्या ये वही है, अगर है तो हमें इसे खत्म करना होगा। उसके बाद ब्रैंडन रिकॉर्डिंग करते हुए कह रहा होता है कि 12 घंटे गुजरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, मगर वहाँ उस घर में डेफिनेटली कोई इवल पावर थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझे पोजेस नहीं किया। उसे लग रहा था कि लोग इसको फेक समझेंगे, मगर वो ये सब बताने की कोशिश करता है कि वहाँ रियल में कुछ इवल था। तभी वहाँ लीडा उसके वाइटल्स लेने के लिए आती है। ब्रैंडन उसके साथ अपने थॉट्स शेयर करता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। अगले दिन मिलने का प्रॉमिस करके लीडा वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हम ब्रैंडन को अपने घर में मॉम के साथ देखते हैं। मॉम ब्रैंडन की इस पोजेशन एक्सपेरिमेंट की हरकत की वजह से उससे नाराज थी, क्योंकि गॉड और इवल पर उनका फेथ काफी स्ट्रॉन्ग था। ब्रैंडन उन्हें मनाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे घर से चले जाने का कहती हैं। जिसके बाद ब्रैंडन अपने डैड के पास जाता है। वो उसे बताते हैं कि तुम हमारे रियल बेटे नहीं हो, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था। और ये सब थोड़ा हॉरिफिक था। एक्चुअल में जिस प्रीस्ट को तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो वो तुम्हारी असली मदर के एक्सोर्सिज्म में ही मारा गया था। मतलब ब्रैंडन ट्रेसी और रिचर्ड का बेटा था और उसके डैड फ्रैंक वो कैमरामैन थे जो उस वक्त वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि तुम्हारी मॉम इस बारे में नहीं जानती। फ्रैंक ब्रैंडन को उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट दिखाता है जिसमें वो और रिचर्ड ट्रेसी से उस बच्चे को बचाने के लिए गए थे। रिचर्ड ने ट्रेसी को मार दिया था और इस तरह फ्रैंक उस बच्चे को अपने साथ ले आया था। ये सुनकर ब्रैंडन वहां से चला जाता है। उसकी कंडीशन थोड़ी अजीब हो रही थी। रास्ते में एक जगह उसे विजन आता है कि ट्रेसी की स्पिरिट उसके पास आकर उसके फेस पर ब्लड की वॉमिट करती है। असल में ट्रेसी की स्पिरिट ने ब्रैंडन को पोजेस कर लिया था। वो सीधा लीडा के घर जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। देन ब्रैंडन के मोबाइल पर फ्रैंक की कॉल आती है जिसे लीडा अटेंड करती है। फ्रैंक कहता है कि ब्रैंडन की मॉम को कुछ हो गया है और उसे कहो कि इसी वक्त घर आए। कॉल बंद होने पर लीडा को ब्रैंडन कहीं नजर नहीं आता। वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है और फिर अचानक से उसके सामने आने पर वो डर जाती है। डैड का मैसेज मिलते ही ब्रैंडन उसी वक्त अपने घर जाता है। लीडा भी उसके साथ थी। उनके घर पर बहुत ज्यादा पुलिस आई थी। डैड ब्रैंडन को बताते हैं कि उसकी मॉम मर गई है, उसने अपना मुंह जोर से खींचकर काट लिया था जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुनकर ब्रैंडन बुरी तरह परेशान हो जाता है और गुस्से में घर से चला जाता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकता और जंगल में भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर भी उसका पीछा करते हैं, मगर वो भागते भागते किसी टनल में पहुंच जाता है जो कि काफी वियर्ड थी। वहां उसे कुछ मास्क वाले लोग पकड़ लेते हैं जो कि किसी कल्ट के मेंबर लग रहे थे। और तब हमें फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कि कैसे उस कल्ट के लोगों ने ट्रेसी को पकड़ लिया था और उसके साथ सैटेनिक रिचुअल किया था। स्कॉट और जॉडी भी उस कल्ट का हिस्सा थे।
ब्रैंडन को ये सब विजन्स आ रहे थे। वो टनल से निकलकर अपने हॉस्टल रूम में जाता है जहां कॉल्बी अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। ब्रैंडन वहां अपने टूल बॉक्स से चीजें लेकर कोई वेपन बनाता है और फिर कॉल्बी पर अटैक करके उसे ब्रूटली मार डालता है। उसकी गर्लफ्रेंड ब्रिटनी ये सब देखकर बुरी तरह डर गई थी। ब्रैंडन उसे भी हिप्नोटाइज करके खुद को मरवा देता है और फिर उसके बाद वो हॉस्टल से बाहर चला जाता है। उधर लीडा और क्ले हर जगह ब्रैंडन को ढूंढ रहे थे, वो लोग साथ में रिकॉर्ड भी कर रहे थे। तभी वहां सामने से ब्रैंडन आता हुआ नजर आता है जो रास्ते में गुजरते हुए लोगों को भी मार रहा था। लीडा और क्ले उसे बेहोश करके गाड़ी में डालकर घर ले जाते हैं। वहां अचानक से होश में आने पर ब्रैंडन हवा में लेविटेट करने लगता है। उसे विजन्स आ रहे थे और उसकी हालत बहुत खराब थी। लीडा और क्ले ये सब देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव गार्शिया हॉस्टल जाता है जहां कॉल्बी की बॉडी बहुत बुरी हालत में मिली थी। दूसरी तरफ लीडा का किसी ऐसे इंसान से कॉन्टेक्ट होता है जो ब्रैंडन का एक्सोसिज्म करने के लिए मान गया था, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि ये एक्सोसिज्म उसी घर में होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। क्ले वापस उस घर में जाने के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन फिर लीडा के समझाने और ब्रैंडन की हालत की वजह से मान जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे गाड़ी में उस जगह ले जाते हैं और क्ले प्लान करता है कि वो ये सब लाइव स्ट्रीम पर दिखाएगा। सब व्यूअर्स वेट करने लगते हैं, जिनमें डिटेक्टिव गार्शिया भी था। वो उस जगह का आईपी एड्रेस भी ट्रेस करवाता है ताकि वहां जा सके। लीडा, क्ले और फ्रैंक ब्रैंडन को लेकर उस मिस्टीरियस घर में पहुंच जाते हैं। वहां जॉर्डी भी आता है जो खुद को स्पिरिचुअलिस्ट बता रहा था और उसी ने एक्सोसिज्म करना था। ब्रैंडन को बेसमेंट में ले जाकर बांध दिया जाता है और क्ले सब तैयारी करके स्ट्रीम स्टार्ट करता है। जॉर्डी ब्रैंडन के पास जाकर बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे उन लोगों ने ट्रेसी को किडनैप करके उस टनल में रिचुअल किया था और ट्रेसी को सैटन का गुलाम बना दिया था। ये सब बताकर जॉर्डी फ्रैंक और लीडा को जख्मी करके ब्रैंडन को खोल देता है, जिसके बाद वो सबसे पहले जॉर्डी को ही मार डालता है। तभी गार्शिया भी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है, मगर तब तक ब्रैंडन फ्रैंक को भी मार चुका था। फिर वो लीडा की तरफ बढ़ता है। ये सब देखकर क्ले उसे रोकने की कोशिश करता है तो ब्रैंडन उसे भी मार देता है। देन वो लीडा को मारने ही वाला था कि तभी दो पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं। ब्रैंडन लीडा को छोड़कर उनको मारता है, लेकिन तभी गार्शिया आकर उसे शूट कर देता है और वो लोग लीडा को बचा लेते हैं। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पीछे हम स्कॉट को देखते हैं जो ये सब देख रहा था। अब उस घर में ट्रेसी के साथ साथ ब्रैंडन की स्पिरिट भी रहने लगी थी। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम लीडा को अपने घर पर देखते हैं जहां उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं, और यहां रिवील होता है कि वो ब्रैंडन के बच्चे की मां बनने वाली थी, यानी इवल उसके अंदर था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।